नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की आत्मनिर्भर किसान सीरीज के 62वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है धान के खेत में मछली पालन। भाइयों, धान की फसल को हमेशा ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन आप पानी से भरे इन धान के खेत में धान की पैदावार के साथ साथ मछली पालन करके दोहरा लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं फिश राइस फार्मिंग सिस्टम यानी धान के खेत में मछली पालन के बारे में। क्या है फिश राइस फार्मिंग सिस्टम? फिश राइस फार्मिंग तकनीक में धान की फसल के जमे पानी में मछली पालन किया जाता है। धान से पहले ही आप मछली का कल्चर तैयार कर सकते हैं। मछली कल्चर खरीदा भी जा सकता है। क्यों बेहतर है फिश राइस सिस्टम? खेती की इस तकनीक में मछली व दूसरे जल जीवों को एक साथ रखा जाता है। इससे धान के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खेत में पल रही मछलियों को चारा मिलता रहता है। इसके अलावा मछली पालन करने से आपको धान के कई रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है। निचली जमीन वाले खेत उपयुक्त। फिश राइस फार्मिंग करने के लिए निचली जमीन वाले खेत का चुनाव करें। इसमें पानी काफी आसानी से इकट्ठा हो जाता है। धान की लंबी अवधि और उथले पानी की मछलियों वाली प्रजातियां अच्छी। अब बेहतर लाभ के लिए धान के लंबे समय में तैयार होने वाली किस्मों और उथले पानी में रह सकने वाली मछलियों जैसे रोहू, मुगली, मृगला और कतला जैसी प्रजातियों का चुनाव करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि धान रोपाई के एक सप्ताह बाद ही मछलियां छोड़ें। खेत में पानी का स्तर 6 से 9 इंच बनाए रखें। इससे मछलियों को विकास के लिए 4 से 5 माह का भरपूर समय मिलेगा। किसानों का कल्याण सयाजी सीड्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आत्मनिर्भर किसान सीरीज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ आपके परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं का खर्च उठाने में भी मदद करती है। सयाजी सीड्स के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।